प्रधानमंत्री सम्मान निधि एवं प्रधानमंत्री मानधन योजना का लाभ किसानों को कितना मिल रहा है, इसकी हकीकत जानने के लिए जनपद बहराइच के इंडिया न्यूज संवाददाता संजय मिश्रा ने कुछ किसानों से बातचीत की है। देखिए क्या कहा किसानों ने। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के इरादे से केंद्र सरकार के द्वारा दो ऐसी योजनाएं संचालित की जा रही है जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। एक योजना ऐसी है जिसे किसान सम्मान निधि के नाम से जानते हैं, जबकि दूसरा योजना ऐसी है किसान मानधन योजना के नाम से जानते हैं। हमारे साथ इस समय कुछ किसान हैं, दोनों योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं कि उन्हें दोनों योजनाओं को लेकर के कितना लाभ मिलता है, उन योजनाओं के विषय में इनको कितनी जानकारी है, जो पैसा इनको मिलता है उसका ये क्या करते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा आपको जो सम्मान निधि मिलती है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जो 2000 रुपया मिलता है 3 महीने 4 महीने पे, वो हमारे बहुत मौके पे मिलता है। जब हमारे पास पैसा नहीं होता तब मिलता है, और उस पैसे से हम अपना खाद बीज या घर का कोई खर्चा ऐसे चला सकते हैं वगैरह वगैरह। 55 रुपए हर किसान के खाते से कटते हैं, जो 18 से 40 साल के जो किसान हैं, जिसको किसान मानधन योजना कहते हैं, उसके विषय में कोई जानकारी है आपको? उसके बारे में जानकारी है जी, 4 साल पहले मैं अपने खाता खुलवाया था, तभी हमारे बैंक से वो हो गया था सिस्टम चालू, हर महीने 55 रुपए मेरे कटते रहते अकाउंट से, और वो 60 साल बाद अपना उसका लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि जहाँ पे मैं आया हूँ वो किसानों का गढ़ है, और यहाँ के जो ऐसे किसान हैं वो उद्यमी किसान कहे जाते हैं, किसानों के बल पे ही वो अपना परिवार चलाते हैं, किसानी के बल पे अपना परिवार चलाते हैं। कुछ और किसान हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या जानकारी है आपको, जो 2000 रुपए जो हर 4 महीने मिलता है उससे क्या करते हैं आप? अरे जी, जो 2000 जो मिलता है 4 महीने पे, उससे बहुत लाभ है हमको, और उससे खेती का जो है खाद बीज, हाँ, हम ऐसे मौके मिल जाते हैं कि जो है पैसा नहीं रहा था। निश्चित तौर पे जिस तरीके से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन किसानों का ये कहना है कि जो पैसा हमें दिया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से और सीधे हमारे खाते में आता है, उसका कहीं ना कहीं लाभ हमें प्राप्त होता है, और ऐसे समय पर लाभ प्राप्त होता है जब हमारे जेब में पैसा नहीं होता है। यानी कुल मिलाकर के जो केंद्र सरकार के द्वारा जो दो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ सीधे किसानों को मिल रहा है। निश्चित तौर पर देखना ये होगा कि और ऐसी कौन सी योजनाएं संचालित की जाएंगी सरकार की तरफ से जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा, आम ग्रामीण को मिलेगा, तो ये देखना ये होगा। क्योंकि हम जिस जगह पे आए हैं वहां पे ये ऐसे किसान हैं जो पूरी तरीके से खेती पर ही आधारित हैं, खेती करते हैं, अपने परिवार का जो पेट है उसको पालते हैं, लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा ये योजनाएं संचालित की जा रही हैं उसको लेकर के इन किसानों का कहना है कि ऐसी योजनाएं हमारे परिवार को आगे बढ़ाती हैं। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच।